बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपोर्टेड चीज़ों के ऊपर बैन है जी पाकिस्तान में। आप सब, मैं एक वीडियो पहले शेयर कर चुका हूँ, खासकर मेरे सऊदी अरब में बैठे हुए तमाम दोस्त अखबाब के लिए। यानी कि आप पाकिस्तान का सफ़र करना चाहते हैं तो आपको कौन सी लवाजमत लेकर आप आ सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं रात की वीडियो शेयर कर चुका हूँ, उसमें ये दिखा भी चुका था। अभी मैं ये आपके साथ तकरीबन सुबह फर्स्ट टाइम ही वीडियो शेयर कर रखा हूँ। आप देख लें जी, ये क्या है, ये काजू बादाम है जी। इसमें आपको मिल जाएगा मेवे, मिल जाएंगे अखरोट की गिरी, मिल जाएगी पिस्ता, मिल जाएगा तमाम तरह चीजें मिक्स हैं। सऊदी से मैं लेकर आया था, उस टाइम ये इनके ऊपर बैन करा कुछ भी नहीं था। क्या अभी इन चीजों के ऊपर, यानी कि तमाम तरह चीजें मैं आपको गिनकर बता दी, इसमें खजूर भी ले लें आपको। अच्छा भाई, मुझे बहुत कमेंट कर रहे हैं गोल्ड के ऊपर, DSLR कैमरों के ऊपर, मोबाइल के ऊपर, चॉकलेट के ऊपर, चप्पलों के ऊपर, जूतों के ऊपर। मैं इस वीडियो में क्लियर करता हूँ, जो मेरी पिछली वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी उसमें बहुत से दोस्त अखबाब ने मुझे उसके नीचे कमेंट किया है जी कि ये झूठ है जी, ऐसा नहीं है। आपके लिए पहले ये है जी, मैं आपको ये पिक्चर यहाँ पर वैसे आपको बड़ी करके दिखा रहा हूँ। मैं पिक्चर के ऊपर लिखा क्या हुआ है फिर आपको आगे दिखाता हूँ। आप देख लीजिए, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मॉडल कस्टम्स कलेक्शन जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची। यानी कि आप कराची एयरपोर्ट के ऊपर हैं, लाहौर उतरे, इस्लाम कहीं भी उतर लें यार, आपको FBR कस्टम वाले वहां पर रोक रहे हैं। किस चीज के ऊपर रोक रहे हैं? सोशल मीडिया के ऊपर। मैं अभी थोड़ी बात आपके साथ क्लियर करता हूँ। सोशल मीडिया के ऊपर ये दो भाई पिक्चर वायरल हुई, पहली मैंने आपको दिखा दी, दूसरी अभी दिखा रहा हूँ मैं। दूसरी में क्या आप देख सकते हैं, कुछ चॉकलेट वगैरह, कुछ बिस्किट वगैरह, ऐसी चीजें पड़ी हुई हैं। बिल्कुल एयरपोर्ट से ली गई पिक्चर है। पहली जो पिक्चर थी वो किसी पैसेंजर की थी, यानी कि फ्लैट का उसका जो पेपर था उसके ऊपर FBR ने उसके नाम के ऊपर जो भी डिटेल वगैरह निकाली, यानी कि उसको फाइन वगैरह जो करना था या इन चीजों का उससे कस्टम लेना था। किन चीजों का? ये जो आप देख रखे हैं इसमें है क्या, चॉकलेट बिस्कुट वगैरह, ठीक है जी। इस चीज के ऊपर आज ये जब सोशल मीडिया के ऊपर दोनों वायरल हुई हैं, उसके बाद मरियम नवाज ने इस चीज के ऊपर नोटिस लिया है और FBR को ये टैग की है ये पिक्चर। उसके बाद FBR की तरफ से एक पेपर, एक लिस्ट सामने आई है, यहां पर आपको मैं वो दिखा रखा हूं, आप ये देख लें, ठीक है। इसके मतलब कहा गया, कहा क्या गया, मैं आगे आपको ट्रांसलेट करके मुकम्मल इसकी सूरत से आगाह कर देता हूं। आपको यहां पर पहले गोल्ड के मतलब बताऊंगी। 60,000 रियाल की लिमिट है जी सऊदी अरबिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर। आप वहां से 60,000 रियाल की मालियत की कुछ भी चीजें ला सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पॉकेट में 60,000 है, मिसाल के तौर पर आपने 5,000 रियाल का मोबाइल पकड़ा हुआ है, आपने 5,000 रियाल का गोल्ड खरीदा हुआ है और आपके पॉकेट में 50,000 रियाल है, तो वो काउंट करेंगे। अगर वैसे मैं अब सफर कर चुका हूं, 4 मोबाइल और 1 वाईफाई डिवाइस, 1 वॉच मैंने पहली हुई थी पिछली वीडियो में, आपको तमाम तरह क्लियर बता चुका हूं मैं तमाम तरह चीजें। मैं लैपटॉप इसके लादा और गोल्ड भी था मेरे पास और रियाल भी थे, तमाम तरह चीजें लेकर आया हूं। मेरा कोई भी किसी किस्म ने काउंट नहीं किया कि आपके पास क्या क्या है, ये इतने का, ये इतने का, ये नहीं। आपके पास अगर रकम ज्यादा हो, गोल्ड ज्यादा होगा, मोबाइल डिवाइस ज्यादा होंगी, तो फिर उनको आपके ऊपर शक होगा, फिर वो आपकी तमाम तरह चीजें काउंट करेंगे अभी कितने की बनती है। ये तो हो गया सऊदी अरबिया एयरपोर्ट के मुतालिक बात। अभी हम बात कर लेते हैं पाकिस्तानी एयरपोर्ट के मुतालिक। जो हालिया सूरत चल रही है, इम्पोर्टेड चीजें भाई बैन है पाकिस्तान में, लेकिन कौन सी बैन है? कमर्शियल आप समझते हैं, मैं आपको समझा। जो भाई वहां से खरीद कर लाते हैं, अपना बिजनेस चलाते हैं, पाकिस्तान में लाकर उनको सेल करते हैं, इसमें आप अखबाब भी आएंगे। वो कैसे आएंगे मैं आपको समझाता हूँ। अभी आपके दोस्त ने बोल दिया, आपके भाई ने बोल दिया, आपकी बेगम है, आपके बीवी है, बच्चे हैं, या आप कहीं और रिश्तेदार है, या खुद के लिए आप उधर से भाई 2 iPhone अपने बैग में रख लेते हो। iPhone मैं आज देख रहा था, iPhone 13 Pro Max की 1 TB वाले की पाकिस्तान में 4 लाख प्लस में प्राइस है, 3.5 लाख का 512 GB वाला है। अगर आप iPhone एक जेब में डाला हुआ है, एक अपने बैग में रखा हुआ है, आपने 2 बिस्कुट रखे हुए हैं गोल्ड के, जेब में आपके 20,000 रियाल है, चॉकलेट ये हुआ, तो फिर आपको सऊदी अरब के ऊपर भी कुछ कुछ हो सकती है। और यहाँ पर आपको डेफिनेटली बात है FBR रोकेगी और आपको इस चीज के ऊपर मुकम्मल तौर पर आपके यानी सामान की एक चीज नोटिस की जाएगी और उसके ऊपर आपको जो भी कस्टम पड़ेगा वो आपको पे करना पड़ेगा। 3500 या 3500 रियाल मैं पे कर चुका हूँ खुद से, मेरी इनकम आई अमेरिका से और अमेरिका से डॉलर भेजे गए तो वो मेरे FBR ने यहां पर काटे हैं खुद से बैंक से, ठीक है। इसके ऊपर आपको कोई भी किसी किस्म की आप उनसे पैसे कर सकते हैं। जो FBR की तरफ से ट्वीट आ चुकी है ना क्लियरली, वो भी आपको आगे समझाता हूं मैं। अभी आप बादाम लेकर आए, खजूर लेकर आए, चप्पलें लेके आए, टी शर्ट लेके आए, जीन की पैंटें लेके आए, जूते लेकर आए,
कोई पूछ कुछ नहीं है इन चीजों के ऊपर, मैं क्लियर कर रहा हूं। आपके अगर वजन है आपका 60 किलो, तो 60 किलो सामान पूरा लेकर आए। आपको कोई बंदा अभी एयरपोर्ट के ऊपर नहीं रोक सकता है। एक भाई ने मुझे कमेंट किया, आप भी उसकी बात भी सुनते जाए, PSL 4 PSL ऐसे वो गेम होती है जो PSL गार्मेंट उसको बोलते हैं, वो 4 लिखा हुआ था जो कि सऊदी अरब में काफी फेमस है। वो तो वो बोलता है मैं लेकर आया मेरा भाई मुल्तान एयरपोर्ट के ऊपर और उतरा, उससे 23,000 या 18,000 रुपए मांग रहे थे कि इसके दो, कस्टम के उसने नहीं दिए। वो बहस में बहस चली, वो बोलता आधा घंटा एक घंटा बाद में वो 1 रुपया नहीं दिया मेरे भाई ने और वो लेकर घर गया है। आपको इन चीजों के ऊपर बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। जो नोटिस अभी सामने आया है वो क्लियर करता हूं मैं। वो नोटिस ये है जी, आपको मैं यहाँ पर उसकी पिक्चर दिखा रहा हूँ, उसमें FBI ने क्लियर किया है कि ऐसी कोई भी चीज जो कि जरूरत के तहत अवाम बाहर से लाती है, यानी कि आप बाहर काम करते हैं तो आप 1 साल बाद 6 माह बाद 2 साल बाद 5 साल बाद छुट्टी आ रखे हैं, आपकी टिकट का वजन है 60 किलो 80 किलो 50 किलो, जितना भी आप उस हिसाब से अपना सामान लेकर आके, यानी उसमें परफ्यूम है, लोशन है, शैम्पू है, क्रीमें हैं, इसमें चप्पलें हैं, टी शर्ट हैं, जीन की पैंटें हैं, कुछ थोड़ी बहुत चॉकलेट है, अभी 2 किलो आप टॉफी ले लेते हैं, चॉकलेट वाली कोई मुश्किल नहीं है, बादाम रख ले उसमें साथ में खजूर, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अभी आपका 40 किलो वजन है, आपने 20 किलो चॉकलेट भरी हुई है, तो फिर तो आपको एयरपोर्ट के ऊपर रुका जाएगा। ठीक है जी, आप अपनी जरूरत की चीजें लेकर आए, इसके ऊपर आपको एयरपोर्ट के ऊपर बिल्कुल पूछ गुछ नहीं होगी। FBI ने भी ये क्लियर कर दिया है, मैंने आपको पिक्चर फिर शायद उनकी दिखा रहा हूं यहां पर। हाँ, वो तमाम अखबार जो कमर्शियल के मुतल्लिक काम करते हैं, यानी कि कोई बंदा उनको फोन कर देता है, यार मेरे 2 iPhone लेके आ, मैं तेरे को पैसे इधर दे देता हूँ, घर पर तेरे कितने के आ रहे हैं, उधर से लेके आ, मैं जिम्मेदार हूँ इस चीज का, मैं पैसे देता हूँ तेरे को, वो आप बोलते हैं मुझे 10,000 रुपए बच रहा है, यार इधर सस्ते मिल रहे हैं, यूजेबल में है चाहे न्यू में है, तो इसके ऊपर भाई आपको एयरपोर्ट के ऊपर रोका जाएगा। हाँ, आपकी पॉकेट में जो मोबाइल है या उसके अलावा एक आध मोबाइल आपकी बैग में पड़ा हुआ है, नो टेंशन, नहीं टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। गोल्ड है जी, आपने कुछ डाला हुआ है, चाहे आप 20 ग्राम का वो बिस्कुट होता है वो लेकर आए, नो टेंशन, इसके ऊपर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोल्ड ड्रिंक्स है, चॉकलेट्स वगैरह है, इनके ऊपर बैन है, लेकिन कमर्शियल के ऊपर बैन है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया के ऊपर ये जो पिक्चर वायरल थी इनके मुतल्लिक, हाँ उन उस बंदे को रोका गया, उससे ये तमाम सब चीजें निकाली गई हैं, लेकिन अभी FBI ने क्लियर कर दिया है, आपको डरने वरने की जरूरत नहीं है। इसके मुतल्लिक मजीद कोई इंफॉर्मेशन आती रहेगी तो वो भी आपके साथ शेयर करता रहूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।